नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर, जहां एक ओर देश में हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को तमाम बड़े नेता याद कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी उपलक्ष्य में गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इसमें जॉगिंग करते हुए भाग लिया। इसका आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करते हुए खेल दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी न रहे। राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, किसी भी चीज के अभाव में खेल प्रतिभा दबी ना रहे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिले। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम धामी ने खेल दिवस की बधाई दी और कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने खुद भी जॉगिंग में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला देहरादून का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया, उन्होंने खुद जॉगिंग की, इसके साथ ही उन्होंने खेल दिवस की बधाई भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करते हुए खेल दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस प्रकार की नीति, खेल नीति लाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी ना रहे। राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, किसी भी चीज के अभाव में खेल प्रतिभा दबी ना रह सके और उनको आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिले। तो इस बीच हमारे साथ सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सुभाष गौड़ जी, ये बताइएगा, अभी ओलंपिक्स के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने हमारा नाम ऊंचा किया, तो ऐसे में ये क्या कुछ कार्यक्रम था? और यहां पर पुष्कर सिंह धामी जी भी पहुंचे, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने जॉगिंग में भी भाग लिया, इससे क्या मैसेज जा रहा है, आप किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा गैलेक्सी जो दौड़ थी उसमें प्रतिभाग लिया, और इसके थ्रू उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है, और इसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजित भी किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था उत्तराखंड खेल विभाग की तरफ से, जिसमें न केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि कई मंत्री भी मौजूद थे, स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, और साथ ही राजधानी देहरादून के जो महापौर हैं वो भी मौजूद थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को बड़ा रूप में विस्तारित करने की सरकार सोच रही थी, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और छोटे लेवल पर इस कार्यक्रम को कराना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि इस तरीके के कार्यक्रम करने से युवाओं को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, और प्रदेश में जो खिलाड़ी अभी तक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी अब सरकार सोची कि उनके लिए कुछ बेहतर प्रयास सरकार द्वारा किए जाएंगे। जी बिल्कुल, यकीनन सुभाष गौड़, इस तरीके के कार्यक्रमों से खेल भावना तो जागती ही है। साथ ही ये और पूछना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, इसके उपलक्ष्य में कुछ ऐसी घोषणाएं भी की गई जिनसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक कार्यक्रम खेल दिवस के अवसर पर किया गया था, तो हालांकि इसको लेकर कोई अभी मुख्यमंत्री की ओर से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड के जो खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने जरूर जो खेल में अपनी रुचि दिखाते हैं युवक, उनके लिए एक बेहतर घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनको लेकर वो मानदेय देंगे, इसके साथ ही जो खेल में बेहतर प्रयत्न करेगा, बढ़िया प्रयास करेगा और बेहतर खेल दिखाएगा देश के लिए, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित उत्तराखंड सरकार करेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो बच्चे स्कूलों में खेल में प्रतिभाग लेते हैं, साथ कॉलेज लेवल पर प्रतिभाग लेते हैं, उन तमाम युवाओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का कोशिश उत्तराखंड सरकार अब करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, यकीनन कार्यक्रम बेहतर है, शानदार है। इसके साथ ही सुभाष जी, ये बताइएगा कि ये कोई आया गया कोई कार्यक्रम तो नहीं रह जाएगा, क्या समझते हैं इससे आप? क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आयोजित तो किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी आखिर में कहते हैं कि उनको वो चीजें मुहैया नहीं हो सकी जिसके चलते वो कुछ बेहतर कर सकते।
जी बिल्कुल, ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड भी है की भी है खेल को देखते हुए। लेकिन क्योंकि पिछले लंबे समय से उत्तराखंड, अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्योंकि क्रिकेट में बहुत अधिक जो रुचि है उत्तराखंड के युवा रखते हैं, क्रिकेट को लेकर कोई अभी तक कमेटी उत्तराखंड में नहीं बनाई गई थी, कोई यूनियन उत्तराखंड में नहीं बनाई गई थी। और पिछले लंबे समय से जो युवा है उत्तराखंड के, उनको किसी अन्य स्टेट से खेलना पड़ता था, या तो वो दिल्ली से खेलते थे, पंजाब से खेलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड से उनको जगह नहीं मिल पाती थी। लेकिन ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने ये जरूर कोशिश की कि उत्तराखंड को अपना बोर्ड मिल पाए, और अब क्योंकि उत्तराखंड के पास अपना बोर्ड है, तो जो युवा क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो उत्तराखंड की टीम से रणजी में मैच खेलते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि धीरे धीरे खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार चाहती है कि जो युवा खेल में रुचि रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म सरकार दे रही है। स्टेडियम का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया, और कहीं ना कहीं एथलीट के लिए राजधानी देहरादून में एक बेहतर स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण भी सरकार ने कराया। हालांकि उसकी स्थिति में जर्जर थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में उस स्टेडियम की स्थिति भी सुधरी है। जी ठीक है, बेहतर विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुभाष जी ये बताइएगा, तस्वीरों में जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि युवा काफी जोश में नजर आ रहे हैं, आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या कुछ कह रहे थे युवा वहां के? जी बिल्कुल, क्योंकि सहज सीमा से कार्यक्रम आयोजित था, और सबसे महत्वपूर्ण इस चीज में ये था कि विशाल कार्यक्रम कराने का कोशिश खेल विभाग द्वारा किया जा रहा था उत्तराखंड में, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए इसे सीमित समय में किया गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि युवा काफी खुश नजर आते हैं इस तरीके के कार्यक्रम से, और हर साल पुलिस विभाग द्वारा भी ऐसा एक कार्यक्रम कराया जाता है जिसमें एक इनामी राशि युवाओं के लिए रखी जाती है, जिसमें ना केवल उत्तराखंड के बल्कि उत्तर प्रदेश के कई युवा प्रतिभाग करने आते हैं। तो कहा जा सकता है कि रुचि बहुत अधिक होती है, और आज भी जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके देखते हुए जो युवा वहां पहुंचे थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका भी यही कहना था कि रनिंग करने से, स्पोर्ट्स में जाने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी ठीक रहता, और क्योंकि जिस तरीके से स्पोर्ट्स में अब एक बड़ी उपलब्धि देश को मिली है, और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कहा जा सकता है गोल्ड लाए, ऐसे ही युवा अब उत्तराखंड के भी तैयार होना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, एथलीट के जो स्पोर्ट्स हैं, उनमें वो जाए और अपना नाम रोशन करे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स को देखते हुए अब सरकार भी प्रयास कर रही है, और उत्तराखंड के जो युवा हैं वो भी अपनी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना भविष्य तराशने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ओलंपिक्स के बाद इस तरीके की तस्वीर हालांकि देश के अन्य राज्यों से भी आ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी तस्वीर, जहां एक मुख्यमंत्री खुद जॉगिंग में भाग ले रहे हो, वहां के युवाओं को इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष जी। तो ये तस्वीरें देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने खेल दिवस की बधाइयां भी दी, इसके साथ ही उन्होंने खुद जॉगिंग में भी भाग लिया। साथ ही उन्होंने जॉगिंग में भाग लेने के बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए तमाम तरीके की सुविधाओं की बातें भी कही। वहीं उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, सभी जनता को रिझाने में लग गए हैं, जिसके चलते लालकुआ में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन रैली करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस परिवर्तन रैली का आगाज 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके चलते तैयारी में जुटे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी मौजूद रहेंगे, और ये रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगी। वही हरीश चंद्र दुर्गापाल पूर्व मंत्री कांग्रेस का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली गई है और रैली को 2022 में उत्तराखंड में परिवर्तन की रैली के नाम से जाना जाएगा और सारे कांग्रेस के दिग्गज एक साथ देखने को मिलेंगे। तो परिवर्तन रैली की तैयारियों को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें 4 सितंबर को परिवर्तन रैली का आगाज किया जाएगा। हमारे सभी प्रदेश स्तरीय नेता माननीय हमारे सम्मान प्रभारी यादव जी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी, और जितने भी सह प्रभारी हैं वो सब इंतजार करेंगे, और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में
सभी कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे प्रोफेसर विक्रांत जी हों, चाहे राष्ट्रीय हों, चाहे तिरुवनंतपुरम हों, चाहे हम पार्टी हों, सभी की गुलाब करेंगे। और विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीशचंद्र सिंह रावत, जो प्रदेश के चुनाव संचार समिति के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मानवीय चंद्री, इसमें गुलाब करेंगे। वहीं कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आजादी के नायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रप्रेम के महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंचकर ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर सिंह राणा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस सेवा दल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इस तरीके का कहा गया ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष के आवास पर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। सीएम ने देवप्रयाग, तोताघाटी, तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने जल्द से जल्द संचार सेवा बहाल करने को भी कहा। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है, जगह जगह भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बाधित हैं, नदी नालों का उफान भी लोगों को डरा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। आलम यह है कि ऋषिकेश से श्रीनगर जाने का मार्ग बंद हो चुका है। देवप्रयाग और नरेंद्र नगर के पास सड़क टूटने के कारण मसूरी होते हुए श्रीनगर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, इन स्थानों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे दल बदल तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने लगे हैं। कुछ संभावनाओं को देखते हुए तो कुछ टिकट की चाहत पे पार्टी बदल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ देहरादून के रायपुर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। यहां आज बीजेपी नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र प्रताप सिंह नेगी उर्फ गुरुजी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान जिस तरह से कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ा, उससे साफ हो रहा है कि यहां बीजेपी के किले में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। इस दौरान हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि वो जिंदगी भर अध्यापक रहे और संघ से जुड़े रहे और अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अब वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। तो देहरादून की रायपुर विधानसभा में बीजेपी के गढ़ में यह बड़ी सेंधमारी की है कांग्रेस ने, जहां महेंद्र सिंह नेगी को अब कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया गया है। तो ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से आ रही हैं, जहां पर अब ददल बदल का जो कार्य है चुनाव से पहले अक्सर देखने को मिलता है वो शुरू हो चुका है। और यहां पर पहला जो मिस हुआ है वो बीजेपी का हुआ है और कांग्रेस में महेंद्र सिंह नेगी शामिल हो गए हैं। महेंद्र सिंह नेगी जी जिनको सारा देहरादून, आज महेंद्र सिंह नेगी जी जिनको सारा देहरादून गुरु जी के नाम से जानता है, शिशुपाल सिंह रावत जी जो यूपीडी के केंद्रीय महामंत्री रहे हैं, हमारे राजकुमार जी जो मसूरी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और उनके हजारों साल देहरादून का कोई किनारा नहीं है जहां से
हमारी राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह नैनी जी के राजनीतिक मित्र और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोग यहां पर हमारे इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय महेंद्र सिंह नैनी जी का, आदरणीय भाई सुषमा सिंह जी का, भाई राजकुमार जायसवाल जी का कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने का, इन सब भाइयों का, उनके साथ तमाम उनकी टीम का, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि आज केंद्र में 7.5 साल के शासन के बाद और राज्य में करीब करीब 5.5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को जानते हुए इस पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी देश को राज्य को बुलंदी तक पहुंचाएगी। वहीं रामनगर में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंची महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्या ने जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को नई सौगात देते हुए पहाड़ी गाय के दुग्ध का शुभारंभ किया जो अब लोगों को बाजार में मिलेगा। बताते चले कि अब गाय का दूध बाजारों में आसानी से लोगों को मिल सकेगा, इसलिए सरकार ने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। इसी के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की तरफ से सौगात के रूप में पहाड़ी गाय का दूध बाजारों में उतारा गया है, जिसका शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया है। हमारे प्रदेश की सुश्री मंत्री दुग्ध विकास माननीय श्रीमती रेखा आर्या जी ने नवजात शिशु, गर्भवती महिला सहित वृद्धजनों एवं जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए हमको निर्देशित करा कि गाय का, पहाड़ी गाय का दूध आप लॉन्च करिए, और उनके निर्देश पर आज माननीय श्रीमती रेखा आर्या जी के करकमलों से कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की पूर्व संध्या पर आज हमने पहाड़ी गाय का दूध लॉन्च करा है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने एक नया उत्पाद आंचल की ओर से बढ़ाया है, और मैं उस उत्पाद के बारे में कहना चाहूँगा कि हम उसको पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता युक्त उत्पादन अपने जनपद सहित भविष्य में आने वाले प्रदेश में, प्रदेश के अंदर ही नहीं, यात्रा रूट में भी हम उसकी एक ख्याति बनाएंगे। उसके लिए नैनीताल दुग्ध संघ, मेरी प्रबंध कमेटी और हमारे अधिकारी सब संयुक्त रूप से प्रयास करके माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आज नैनीताल दुग्ध संघ को बहुत बहुत शुभकामना दूंगी और विशेषकर दुग्ध संघ के अध्यक्ष को बहुत शुभकामना दूंगी कि जिन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर या पूर्व मेला पर जो है एक अद्भुत प्रोग्राम के माध्यम से जो है पहाड़ी दुग्ध की जो है आज लॉन्चिंग की। निश्चित रूप से आज की मार्केट के हिसाब से उसकी आवश्यकता भी थी, और यह भी आवश्यकता थी जनमानस को पहाड़ी दुग्ध की बहुत ज़्यादा जो है लालसा थी, क्योंकि पहाड़ी दूध में विभिन्न प्रकार की पौष्टिकता होती है जो कि जनता तक पहुँचना चाहिए, बच्चों तक पहुँचना चाहिए, महिलाओं तक पहुँचना चाहिए, गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना चाहिए। तो मैं उस लॉन्चिंग का जो मुझे अवसर यहाँ पर आज प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए दुग्ध संघ को बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी दूंगी। निश्चित रूप से यह पहाड़ी दूध उन लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी पहल करेगा, और साथ साथ दुग्ध सहकारी समितियों की भी आर्थिक स्थिति जो है उससे मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमंत तिवारी ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जमकर निशाना साधा है। नवीन प्रशाली ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, और सरकार तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बावजूद अभी भी कमेटी बनाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाकर हजारों साल की परंपरा पर बीजेपी ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी मंदिरों को सुधारने की बात पर 2017 में चुनाव जीती थी, जिनको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, उसी बीजेपी ने आज देवस्थानम बोर्ड के जरिए हमारे मंदिरों को सरकार के शिकंजे में डालने का काम किया है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो
ढीला रवैया अपना रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए, अन्यथा इस बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। सरकार और पंडा पुरोहित हक हकूक धारियों के बीच में जो सीधी वार्ता होनी चाहिए थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई पावर कमेटी नाम की बाधा खड़ी कर दी है। सरकार की मंशा साफ है कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी, और आम आदमी पार्टी की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए। पंडा पुरोहित समाज, वो हक हकूकधारी जिसके लिए लंबे काल से आंदोलन हैं और अपने खून से भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, हिंदुत्व का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके बावजूद भी पंडा पुरोहित समाज, हक हकूकधारियों और वहां पर जितने भी लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। अगली खबर चमोली से है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा कल्याण चमोली के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेविका वंदना गुसाई की तरफ से तलवाड़ी से लोल्टी के बीच 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। वहीं लोल्टी में दौड़ को समापन होने पर दौड़ में हिस्सा लेकर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले युवक युवतियों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख थराली कविता देवी समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जहां देश की बेटियां हर रोज देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, हर जगह अपने हुनर के दम पर एक नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं, वहीं उत्तरकाशी की बेटियां पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की 22 साल की अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस 5,642 मीटर का सफल आरोहण किया है। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम की टीम लीडर थी। आपको बता दें कि अनामिका के साथ दो अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है। वह अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही बनी हैं। जोशीमठ विकासखंड के रविग्राम में बनाए जा रहे स्टेडियम की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज क्षेत्र की जनता ने एक विशाल जनाक्रोश रैली निकालकर उत्तराखंड सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। सालों से स्टेडियम की मांग अभी तक अधर में लटकी हुई है, जिसका क्षेत्र की जनता काफी समय से इंतजार कर रही है। जोशीमठ विकासखंड के रविग्राम में एक भव्य स्टेडियम बनाया जाए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय जनता को आश्वासन दिया है कि रविग्राम में स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। बताते चले कि उद्यान विभाग की तरफ से इस भूमि को खेल विभाग को हस्तांतरित करना है, लेकिन सचिव स्तर पर अभी भी मामला लटका पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। रविवार को लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की मांग की है, नहीं तो लोगों की तरफ से चल रहा यह आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सीजन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आए दिन बारिश से कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है। वहीं बरसाती सीजन में आसमानी आफत और दरकते पहाड़ लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर का है, जहां पर चारधाम सड़क परियोजना के निर्माणाधीन काम के चलते लोगों के मकान में दरारें पड़ने लगी हैं और जमीन धंसने लगी है, जिसके चलते लोग इस बरसाती सीजन में खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इससे किसी भी बड़ी घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। पीड़ित परिवारों के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं। विकास के नाम पर खोदे जा रहे पहाड़ों के दरकने को लेकर भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सड़क निर्माण का काम हो ही नहीं रहा है। मानकों के विपरीत खोदी जा रही सड़क का भी नतीजा है कि जमीन जगह जगह से धंस कर सड़कें टूट रही हैं। योजना का काम हुआ, ये बहुत ही अनियोजित तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी ये अपनी रिपोर्ट में कहा है।
और चूंकि किसी तरह का भूगर्भीय सर्वेक्षण किसी तरह का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया, इसलिए बेतरतीब कटाई के चलते बहुगुणा नगर में लोगों के आवासीय मकान, उनकी जीवन भर की पूंजी एक तरह से संकट में आ गई है। तो एक तो ये जो एजेंसी इस काम को कर रही है उसके खिलाफ लापरवाही, लोगों का जीवन संकट में डालने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कटिंग का कार्य शुरू हुआ है तब से ये दिन प्रतिदिन जो दरारें बढ़ती जा रही हैं और रात रात भर में हमको नींद नहीं आ रही है। जैसे थोड़े कुछ बूंदाबांदी होती है तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हमारे साथ साथ ये पूरे आसपास के जो मकान हैं ये धीरे धीरे जो है ये खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमें सही जगह पर कहीं हमको विस्थापित किया जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।